Good morning, my dear students. You welcome back in your online English classes. Students, as you know that your MT1 exam is going to start from 26th of May. So, from today, we are going to start our revision work for English first. Today, you have to learn all word meaning of chapter 1. So, you learn with me. Your first chapter now name is Monkey Trouble. Monkey Trouble, आप लोग पढ़ चुके हो टूटू के बारे में जो स्टोरी थी इसमें. इसका वर्ड मीनिंग mischievous. Mischievous means होता है बेटा शरारती. क्या होता है शरारती. और इसके इंग्लिश मीनिंग है prankies. क्या है prankies. सेकेंड आपका है बेटा miserable. Miserable means होता है कष्टदायक. इंग्लिश मीनिंग इसकी है suffering. कष्ट में होना दुख में होना इसकी इंग्लिश आपकी होती है miserable. नेक्स्ट आपका है बेटा unusual. Unusual मतलब होता है असाधारण. जो साधारण नहीं है जो अद्भुत है विचित्र है. दिस इज कॉल्ड unusual. इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बेटा anomaly. नेक्स्ट आपका है refused. Refused means इनकार करना. Refused means इनकार करना. इंग्लिश मीनिंग डिनाइड. क्या है बेटा डिनाइड. अब नेक्स्ट आपका है रेफरिंग. रेफरिंग सौंपना किसी को दे देना है ना. तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बेटा रेफरेंट. नेक्स्ट आपका है बिलीव्ड. बिलीव्ड मीन्स होता है विश्वास करना. तो इसकी स्पेलिंग फेथ्ड भी होती है. फेथ फेथ होता है और इसका थर्ड फॉर्म फेथ्ड होता है. तो ये आपका मीनिंग विश्वास करना है. नेक्स्ट आपका है स्पार्कल्ड. स्पार्कल्ड मीन्स होता है बेटा चमकना. तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हो गई ट्विंकल्ड. ट्विंकल ट्विंकल आप लोगों ने पढ़ा है वही ट्विंकल है. ट्विंकल मीन्स होता है चमकना. नेक्स्ट आपका है बेटा पर्ली. पर्ली मोती के रंग का. जो मोती होती है ना जो शिप होता है जो समुद्र में मिलता है तो उसी को इंग्लिश आपकी पर्ली होती है. यहाँ पे उसकी आँखों को कंपेयर किया गया था टूटू की आँखों को पर्ली आइज. तो इसमें इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बेटा चॉपर. नेक्स्ट आपका है इंसिस्टेड. इंसिस्टेड मतलब होता है बेटा जोर देना. क्या होता है जोर देना. देन इंग्लिश मीनिंग इज फोर्स्ड. इन्फॉर्म्ड. इन्फॉर्म्ड मीन्स सूचित करना. मीन्स टोल्ड बताना किसी को किसी की चीज़ के बारे में बताना. दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्म. अराइवल. अराइवल मीन्स होता है आगमन. कोई व्यक्ति या किस कोई चीज़ या कहीं पे पहुंच जाना. दिस इज कॉल्ड द अराइवल. जाना अचानक से आगमन हो गया किसी का. दिस इज कॉल्ड द अराइवल. इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अरेस्ट. नेक्स्ट आपका है श्रिक. इसकी मीनिंग होती है बेटा चीख. जो बहुत तेज चीखना जैसे टूटू हमेशा चीखा करती थी तो इसी की स्पेलिंग हो गई बेटा श्रिक. टू अटर ए श्रील क्राई मतलब बहुत अजीब तेज आवाज में चीखना. दिस इज कॉल्ड श्रिक. अब नाउ स्टूडेंट्स टुडे यू हैव टू रिवाइज ऑल वर्ड मीनिंग एंड राइट इन योर रफ कॉपी. टुमारो वी विल लर्न क्वेश्चन आंसर. ओके स्टूडेंट बाय.